आवास न मिलने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश, ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। बता दें कि आजमगढ़ का एक ऐसा गांव जहां अभी तक सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और 45 घरों की आबादी वाला यह गांव पूरी तरह से विकास से अछूत है। क्षेत्र के दरबारा गांव में लोगों को आवास ना मिलने से काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा 45 घरों की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही आवास नसीब हुआ है, बाकी लोग टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। दरबरा हरिजन बस्ती में लगभग 45 लोगों का कच्चा मकान है, जहां लोग बारिश के मौसम में पानी में भीग कर अपना जीवन यापन करते, परंतु शासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि 45% लोगों को आवास देने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। वहीं गांव के दुखी ने बताया कि कई बार आवास के लिए प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी तक आवास नसीब नहीं हुआ। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि अभी बजट नहीं है, इस आवास विहीन लोगों को जांच करने कोई अधिकारी भी अभी तक गांव में नहीं पहुंचा। दुखी द्वारा ग्राम प्रधान से आवास के लिए कहा गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने कहा कि जब वोट नहीं दिए तो आवास कैसा। वहीं गांव की निवासी गीता ने बताया कि शौचालय और आवास अभी तक नहीं नसीब हुआ है, मेरा कच्चा मकान गिरने की वजह से मेरी सांस काफी घायल हो गई। जनपद आजमगढ़ के दरबारा गांव में अभी भी लोग आवास के सपने देखते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की वजह से सपना साकार नहीं हो रहा। आश्वासन दिया जाता है कि गांव के अंदर कोई अधिकारी नहीं जाता, ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आइए सुनाते हैं कि ग्रामवासियों ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम दुखी। कहाँ निवासी? दरबारा। ये आवास नहीं मिला, इसके बारे में बतावा। कोई आया जांच करने कभी कि आवास है कि नहीं है? नहीं, कोई जांच करने नहीं आया। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं हमारे में बजट नहीं है, तुम लोगों गांव का वोट नहीं मिला है, हम तुम्हारे गांव में नहीं करेंगे। मतलब कहते हैं कि तुम्हें वोट नहीं मिला, तुम्हारे गांव हाँ, नहीं करेंगे। वहां का वोट नहीं मिला, नहीं करेंगे। कितने गांव इतने यहां ऐसे कितने लोग हैं जिसमें नहीं मिला होगा आवास लगभग? अब यहां लगभग मुश्किल से 5 जन मिला, बाकी अभी क्या उनको मिले। जो 5 लोग को मिला, क्या उनके पास पक्का मकान भी है? नहीं। श्रीमती कहाँ निवासी? दरबारा। आवास नहीं मिला है क्या अभी? कभी ना मिला है। भरी थी आवास? हमारे पुरानिया मर गई ना, तबो ना पाऊ ना, इतनी जिंदगी हमने बीती गई, हमने ना पाऊ। तो कैसे इसमें जीवन आप ज्ञापन करती हैं ऐसे कच्चे मकान? अब कैसे का करी, बीतबे करा ला कैसे। तो क्या कभी आया कोई जांच करने प्रधान सेक्रेटरी कोई आया? अब आईबे करा ना, देख देख चल जाना, कब देवा ना करता, कभी जिंदगी में ना दे। कुछ मांग कैसे मांग की मैसा तो हम करेंगे, ऐसा कुछ ना ही कुछ ना। लेकिन आवास नहीं मिला? कभी ना मिला है। कुछ कहते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहा ना मिली, लेकिन तो आज का साल से 10वां साल हो गया लून है, अभी तक नहीं मिला। हाँ नहीं मिला है। नाम है आपका? गीता। कहाँ गांव निवासी? ग्राम दरबारा। क्या समस्या बताओ? हमको साहब जो ने बाथरूम मिला ना निवास मिला है कुछ नहीं। हमारी सास गिर गई, घर गिर गया, दबा गई, बोले पिल्सिन देंगे, वो कुछ नहीं दिए अभी तक। हम लोग बच्चे को लेके खेत में जाते हैं। क्या शौचालय भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। कहाँ जाती हैं शौच करने आपको? उधर खेत में। तो आवास के लिए आपने फार्म भरा था? नहीं, अभी कुछ नहीं बोले उसको, प्रधान को बोले, बोलेंगे आएंगे आएंगे करके, अभी कुछ नहीं मिला हमको। कोई अधिकारी आया जांच करने? नहीं, कोई नहीं आया। तो क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान बोले कि अभी जब मिलेगा तो देंगे, हम अभी तक कुछ नहीं दिए। तो आप लोग इस घर में कितने लोग रहते हो? हम लोग 3 पड़दार है। 3 ऐसे ही कच्चे मकान? ऐसे ही सब है। तो सब लोग बाहर जाते हो? नहीं, शौचालय नहीं मिला? नहीं, 2 जन को मिला है, हमको खाली नहीं मिले। राजेश। किस गांव निवासी? दरबरा। ये क्या आवास आपको नहीं मिला, इसके बारे में बताइए। हमारे कोई आवास नहीं है, आज 7-8 साल हो गया लोरी भाई की भी। यही आश्वासन देते हैं कि अगली मई में दे देंगे, जून में दे देंगे, आज 7 साल से ऐसे ही गोली। लोरी कौन है? लोरी राजभर है। क्या है? प्रधान है। हाँ तो क्या कहते हैं?
आज 7 साल से यही कहते हैं कि हम आज दे देंगे कल दे देंगे, और इसके बाद आज तक 7 साल से हमको कोई कॉलोनी नहीं मिली। फार्म भरे थे आप? फार्म वार्म सब कुछ भरे थे। जांच में आया? कोई नहीं आया। तो मतलब क्या कहते हैं लोरी? अब ये कहते हैं कि तुम्हारा नाम उसमें से कंप्यूटर से उड़ गया। आप लोगों किसी और को आवास मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिसको मकान बना उसको कॉलोनी मिलती है, जिसके पास झोपड़ी है उसके पास कोई कॉलोनी नहीं, वो अमीर है। जो उसके पास घर बना हो वो गरीब है। क्या परिवार इसमें आप जीवन क्या? इसमें हम लोग दो बूढ़े माँ बाप है, ये देखिए, और क्या नाम है कि दो परिवार हम लोग हैं, 3 लड़के हमारे।